बहुत शुक्रिया आपका। आप जरा बताइए ऋषि जी कि ये जो स्टील रिवार का वायदा लॉन्च हुआ है, इसकी कुछ बारीकियां तो हमने बताई हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए हैं, और कुछ डिटेल अगर आप हमारे ऑडियंस को बता पाए स्टील रिवार के बारे में। सर बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। ये जो स्टील रीबार कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसकी आवश्यकता थी, बिकॉज अभी तक जो बेस मेटल का जो मार्केट है वो काफ़ी हद तक हमने डिस्कवर किया था, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए थे। अब जो फेरस मेटल है उसमें भी एक बहुत गहरी आवश्यकता थी मार्केट को, जो फ्रेगमेंटेड है, बट स्टील रीबार क्या है, देश के कोने कोने में सब जगह काम आता है, तो इसके लिए एक प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का एक माध्यम होना बहुत जरूरी था, और इसीलिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, और इसीलिए इसके डिलीवरी सेंटर्स भी हमने देश के हर कोने में खोले हैं। तो इसका बेस जो सेंटर है वो रायपुर में है, और उसके अलावा हमने चेन्नई में, पलवल में, ठाणे में और दुर्गापुर में खोले हैं। तो नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंटर, आप समझे देश के सब जगह इसके डिलीवरी सेंटर्स भी हैं। तो हम आशा यही करेंगे कि जितने भी मार्केट में स्टील इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं और भी जो ट्रेडर्स हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट में भागीदारी करें और इसको सराहें। और चूंकि ये सिर्फ 5 मेट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट है, रफली 2.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये छोटे जो इंडस्ट्री में SMEs, MSMEs हैं, उनके लिए भी बहुत सुविधा होगी इसमें हेज और ट्रेड करने के। अच्छा, ओके, ये आपने बारीकियां बताई। तो कैसा रिस्पॉन्स, मतलब आपने कहा कि बड़ा मार्केट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टील रिवार का इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, कितना पोटेंशियल है, एक्चुअल यूजर कितने हैं, और उस हिसाब से आप क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, मार्केट तो बहुत बड़ा है और इसमें हम रिस्पॉन्स भी अच्छा ही खोज रहे हैं, आज ही लॉन्च किया है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आशा यही करेंगे कि इसमें खुल के पार्टिसिपेशन आए, अच्छा बिडास्क रहे और लोगों को इससे फायदा हो, क्योंकि जिस तरह से भारत की ग्रोथ है, तो भारत की ग्रोथ आज के दिन जो फोकस है सरकार का भी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में है और इकोनॉमिक ग्रोथ में, और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में तो स्टील का भी रिक्वायरमेंट होगा और बाकी कमोडिटीज की भी होंगी। तो मैं नहीं समझता कि भारत का जो ग्रोथ है कमोडिटीज मार्केट के बिना हो सकता है, और कमोडिटीज मार्केट का ग्रोथ होगा तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का तो ग्रोथ अवश्य ही होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, एक बात और ऋषि जी, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहूंगा कि आपका जो अभी वॉल्यूम है, खास करके ऑप्शन का वॉल्यूम, फ्यूचर का भी लेकिन ऑप्शन का और जी ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त आंकड़े आ रहे हैं निकल के। और मैं अगर फ्राइडे के डेटा को कोट करूं तो 2,66,713 करोड़ का टर्नओवर रहा है, जो कि हाईएस्ट टर्नओवर है ना। अक्टूबर में आपका था 2,23,946 करोड़, उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये कहाँ से आ रहा है सर? क्या नई एंट्री हो रही है मार्केट में? क्या आप जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका रुझान कमोडिटी मार्केट की तरफ बढ़ रहा है? ये कौन है जो लोग इस वॉल्यूम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया मृत्युंजय जी, बिकॉज अगर आप समझें तो बाकी जो मार्केट्स हैं उसमें सिर्फ निवेशक या ट्रेडर रहते हैं, स्पेकुलेटर हैं या प्रॉप वाले रहते हैं, बट कमोडिटी मार्केट में वो तो रहते ही हैं, बट उनके अलावा आपको एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, प्रोड्यूसर, एंड यूजर सब मिलेंगे, फिजिकल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बहुत मिलेंगे। तो ये सब तरफ से ग्रोथ आ रहा है और हमारे साथ काफी नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो इसी कारण से ये आप ग्रोथ देख रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप करें कि इसी वजह से जो नए लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से आप करें कि इस तरह की ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। नई प्लानिंग क्या है सर? क्या इस नए साल में कुछ और नए प्रोडक्ट हम देख पाएंगे MCX पर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, स्टील रिवार लेकर आप आए हैं, क्या कुछ और ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है कुछ नए प्रोडक्ट को लेकर? जरूर, प्लानिंग काफी है, और पहली बात तो ये जो नए पार्टिसिपेंट्स मार्केट से जुड़ रहे हैं, हम तो जो अपना चेष्टा कर रहे हैं अवेयरनेस का, बट आप लोग को भी श्रेय दूंगा कि आप कमोडिटीज को और कवरेज दे रहे हैं, और अगर कमोडिटीज को और कवरेज मिलेगा तो जो सामने दिखता है वही बिकता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सारे चैनल्स सिर्फ इक्विटी की बात करते हैं, बट अगर आप कमोडिटी की और बात करेंगे तो लोगों को वो समझ में आएगा और उसमें भी लोगों का रुझान बढ़ेगा। अब जहां तक प्रोडक्ट्स की बात है, तो हम ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हमारा शिफ्ट हो गया उसके बाद अब फोकस बिजनेस ग्रोथ पे ही है, तो हम काफी नए प्रोडक्ट्स लाने को इच्छुक हैं। एक तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स है, उसको हम जरूर एक्सप्लोर कर रहे हैं। कॉटन कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं ताकि वो वापस ग्रो करे, जो उसमें वॉल्यूम बैठ गया वो वापस उभर के आए, और कुछ शॉर्टर ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम
देख रहे हैं। तो ये जैसे जैसे हमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलते रहेंगे, हम चेष्टा यही करेंगे कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए जाएं ताकि मार्केट में और लोगों को सुविधा मिले पार्टिसिपेशन का। ये आपने अच्छा बताया, और कॉटन का आपने जिक्र किया, इस पर मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाह रहा हूँ। कॉटन कॉटन आपका बड़ा लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट था, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स एमसीएस कॉटन को मिलता था, लेकिन बीच में कुछ उस तरह का एक्शन हुआ जिसके बाद इसका रिस्पॉन्स कम हो गया, फीका पड़ गया। आपने कहा कि उसको आप रिविजिट कर रहे हैं, रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कब तक हो जाएगा सर ये? क्योंकि कॉटन के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स फ़ोन करते हैं हमें कि सर कॉटन का शुरू करवाइए फिर से अच्छे तरीके से, हम लोग कॉटन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कब तक हो जाएगा ये? देखिए जल्दी हो जाना चाहिए, वैसे मैं एग्जैक्ट टाइमलाइन तो दे नहीं सकता, बट जल्दी हो जाना चाहिए। और जैसे ही होगा हम यही आशा करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वापस अपने पुराने लेवल पे पहले तो पहुंचे और फिर उससे भी आगे बढ़े। वेरी नाइस, चलिए बहुत शुक्रिया ऋषि जी आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण दिन पर, जब आपने रिवार स्टील का वायदा लॉन्च किया है और आपकी फ्यूचर प्लानिंग किया है, डिटेल में आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुभकामनाएं भी एमसीएक्स को कि आप और सारे प्रोडक्ट लाएं ताकि इस मार्केट की ग्रोथ और यहां पर बढ़ता हुआ दिखे। बहुत शुक्रिया आपका।